हम देखते हैं कि अकुमो के काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस क्रैम्बल केज को नहीं खोल पाता और उसके पास एक आखिरी उम्मीद बचती है, गोकू। और गोकू उधर गोहान के साथ ओमनी पैलेस पे पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस पूरी तरीके से तबाह होता है। उसे देख के गोकू कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि इसकी हालत इतनी बुरी भी हो सकती है। इस पे गोहान कहता है, डैड मैंने आपको कहा था यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको भला यहाँ पर क्या मिल जाएगा। इस पे गोकू कहता है, गोहान मैंने कहा ना ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहां एक जगह पे खड़ा होता है और वो अपनी एनर्जी को थोड़ा बढ़ाता है और वो अपने ओमनी फॉर्म में आ जाता है। ये देख के गोहान कहता है, डैड आखिर आप कर क्या रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तभी गोकू कहता है, गोहान बस ध्यान से देखते जाओ। और ये कहने के बाद गोकू अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक दरवाजा खुल जाता है और गोहान उसे देख के कहता है, क्या ये भला क्या है। इस पे गोकू कहता है, यही वो रास्ता है जिससे हमें उसके बारे में पता लग जाएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो है कौन। चलो गोहान आओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान और गोकू उस गेट के अंदर चले जाते हैं। उस जगह को देख के गोहान कहता है, डैड ये जगह तो काफी अजीब है लेकिन हमें भला यहाँ पर क्या पता चलेगा। इस पे गोकू कहता है, यहाँ पर हमें गॉड्स के हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। इस पे गोहान कहता है, लेकिन आप भला इससे कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन है। इस पे गोकू कहता है, गोहान जहां तक मुझे और बाकियों को पहले पता था, हम पहले किसी भी गॉड्स के बारे में नहीं जानते थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ज़ुनोसामा से भी ऊपर कोई और उनसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन मैं और सभी इस मामले में पूरी तरीके से गलत थे क्योंकि हमें किसी ने भी उसके बारे में नहीं बताया था कि ज़ुनोसामा के ऊपर भी एक सुप्रीम ओमनी गॉड है। लेकिन उसमें भी जो सबसे ताकतवर था उसे अहोरा ने हरा दिया। मुझे ये जानना है कि उसके ऊपर आखिर कौन है और वो जो भी है या फिर वो है भी या नहीं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, जितने भी गॉड्स हैं आज उन सभी के बारे में पता चल जाएगा और हम ये भी जान पाएंगे कि वाकई में उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मिगोहा को दिखाया जाता है जो कि ज़ोगा सुराकी के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, वाकई में इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, जब तुमने अपने शरीर को त्यागा था तब मुझे लगा कि तुमने भी खुद को खत्म कर लिया है जैसे कि किंग नायर ने किया था। इस पे ज़ोगा सुराकी कहता है, किंग नायर का बलिदान बहुत ही ज्यादा अनमोल था लेकिन मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, समझे। मैंने भी ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी वापस आ पाऊंगा और वो भी अपने पूरे रूप में। लेकिन अब जब मैं वापस आ चुका हूं उन्हें इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा।
इस पे मिगोहा कहता है, तुम उन सब तक पहुंचोगे तभी जब तुम मुझे हरा पाओगे। इस पे जोगा सुराकी कहता है, तुमने सही कहा, तुम मेरे रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो, तुम्हें तो मारना ही होगा। इस पे मिगोहा कहता है, मरोगे तो तुम, और तुम्हारी ये लेजेंडरी ताकत मेरी होगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें मारकर तुम्हारी ताकत को कोई और ले ले, और वो भी तब जब मेरे सामने एक सुनहरा मौका है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मिगोहा अपना हमला जोगा सुराकी पे करता है, लेकिन जोगा सुराकी बिना कोई दिक्कत के उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है। ये देख के मिगोहा कहता है, क्या ये कैसे भला हो सकता है, तुम तो कोई लाइट सैयन भी नहीं हो, तो तुमने ये कैसे किया। इस पे जोगा सुराकी कहता है, तुम्हें लेजेंडरी सैयन का इतिहास नहीं पता है कि उनका जन्म कैसे हुआ था। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जोगा सुराकी उसे काफी जोर का हिट करता है, जिसे कि मिगोहा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो काफी जख्मी हो जाता है। तभी जोगा सुराकी कहता है, मैं जानता हूं ये सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, लेकिन सिर्फ पहले लेजेंडरी सैयन को छोड़कर 12वें लेजेंडरी सैयन तक मैंने अपनी ऊर्जा को बांट दिया था, और ये सब एंजल मीका ने किया था। हर 1000 साल में 1 या 2 लेजेंडरी सैयन का जन्म होगा जिसके पास मेरी थोड़ी थोड़ी ताकत होगी, और वो वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। लेकिन कोई भी सैयन इतने सालों तक जिंदा नहीं हो सकता, तो सभी लेजेंडरी सैयन का एक साथ होना ये नामुमकिन है। मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे हुआ, और सब के सब एक साथ कैसे आए, और उन्होंने आपस में फ्यूज किया। मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन इसके पीछे जो भी कारण है, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस इससे पड़ता है कि मैं अब वापस आ चुका हूं, और पहले से कहीं ज्यादा गुना ताकतवर। इस पे मिगोहा कहता है, ये तो काफी अजीब है, ये सच में पहले जैसा नहीं है, लेकिन ये इतना भी ताकतवर नहीं हो सकता कि एक सुप्रीम ओमनी गॉड को हरा दे। आखिर है तो ये एक सैयन ही, मैं इसे खत्म कर दूंगा और इसकी ताकत को मैं हासिल करके रहूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मिगोहा अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, और उसे देखकर जोगा सुराकी कहता है, सभी को मेरी ताकत चाहिए थी, इसी वजह से मीका ने यह कदम उठाया था। भले ही वो एक एंजल थी, लेकिन उसने जो मुझे बचाने के लिए किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। और जैसा कि मैंने उससे कहा था कि अगर मैं कभी भी भविष्य में वापस आ गया, तो उसकी मौत का बदला मैं सभी गॉड से लूंगा। भले ही मैं उस वक्त अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाया, और ना ही मुझे उसके बारे में अच्छे से पता था, लेकिन अब मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे पास क्या है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जोगा सुराकी अपने हाथ को आगे करता है, और उसी वक्त मिगोहा अपना हमला जोगा सुराकी पे करने के लिए आगे बढ़ता है, और हम देखते हैं कि जोगा सुराकी इस पे कहता है, तुम सभी का अस्तित्व मिटाने के लिए मैं वापस आ चुका हूं, और तुम सबको जोगा सुराकी से कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
जोगा सुराकी अपना एक हमला मिगोहा पे करता है, जिसे कि मिगोहा रोकने लगता है और वो कहता है, क्या इसने तो मेरे हमले को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो किसी काम का ही नहीं था। ये भला कैसे मुमकिन है? और इसका हमला, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। क्या ये मुमकिन है कि एक आम सयन जो कि सालों पहले गॉड से छिपता फिर रहा था, वो एक सुप्रीम ओमनी गॉड को हरा पाए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा होना नामुमकिन है। इस पे जोगा सुराकी कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, जो कि तुमने जोगा सुराकी को एक आम सयन समझा, और ये भूल तुम्हारी जिंदगी की सबसे आखिरी भूल होगी। और जैसे ही वो ये कहता है, हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके के साथ वो सुप्रीम ओमनी गॉड मिगोहा मारा जाता है। इस पे जोगा सुराकी कहता है, बस अब मैं धीरे धीरे उन सभी से अपना बदला लूंगा। तभी हम देखते हैं कि हमें मरनो को दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब सी जगह से जोगा सुराकी को देख रहा होता है। तभी वो कहता है, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा था, मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में उन्हें बताना होगा।